को मैंने कैप पहना दी और अब हम बाहर जा रहे हैं। खोलो गेट। लो दीदी को दे दो पहनने के लिए। पापा को बुलाओ दक्षु। आए आ जाओ। बस है शाम की 5:30 की हमारी बस है सीधा दिल्ली की। तो उससे पहले अभी थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। उससे पहले दोपहर हो गई तब हम खाना खाने आए हैं वहीं पे जो पंजाब वालों की धर्मशाला है ना वहीं पर। बोलो बोलो पापा। गाइस मैंने ना चूड़ियाँ ली है मेरी मम्मी के लिए, मेरे लिए और इनकी मम्मी के लिए भी, क्योंकि ऐसे अच्छा होता है ना चूड़ियाँ देना। चाय पीने आए हैं गाइस। अभी हम वो खा रहे हैं यहाँ से टिक्की और बर्गर। पहले के ज़माने में मेहंदी लगती थी और लेटर से कुछ भी बनवा लो नेम से, और वो जूतियाँ 100-100 रुपये की मिल रही है बस। दोबारा जा रहे हैं आज फिर श्याम बाबा जी के दर्शन करने सेकंड टाइम। निशान लेके जा रही है तक भी चलता है। अरे गिर जाएगा। हम अब दोबारा जा रहे हैं भाई, काफी पैदल चल के जाना पड़ता है दर्शन करते। और कर लो थक गए ना ऐसे इसको। हाँ गुनगुन को देखो और कितनी अच्छी लग रही है। गर्म है कुछ कुछ चुभेगा, देखो चल नहीं पा रहा बेचारा, पंजों पे चल रहा है यार। चुप जा ना जाए यार इसके कुछ। गाइस हम फिर लाइन में लग गए दर्शन के लिए। बच्चे भी लाइन में हमारे साथ और लाइन देख सकते हो आप। बस रात की है तो हम दोबारा तोरण द्वार आ गए और यहाँ पे ना ऊंट की सवारी हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस काफी सारे ऊंट है यहाँ पे और यहाँ पे ये रहा तोरण द्वार, काफी रौनक है इस तोरण द्वार का। चारों तरफ घुमाते हैं ऊंट पे। वो देखो आ रहा है एक सामने से। तो गाइस ये जो काली कैप वाला लड़का है ये ऊंट को परेशान कर रहा था, बार बार मार रहा था। फिर ऊंट के ओनर को गुस्सा आ जाता है इसलिए ऊंट के ओनर उसको मारने के लिए जाता है। आप भी देख सकते हो वीडियो में। फिर यहाँ पे लड़ाई हो जाती है इन दोनों की। अरे रुक जाओ। बोल दो ना हम तो अलग हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। हाँ तो गाइस अभी ये ऊंट पे चल स्टार्ट हो चुके हैं। ट्रैफिक बैरेज से मुझे ध्यान से चलाना पड़ रहा है और ये रहा तोरण द्वार। आके उतरेंगे।
few moments later. तोरण द्वार के ऊपर ही ट्रक के ऊपर बनाया हुआ एक रेस्टोरेंट. ट्रक के ऊपर आए अभी हम. मम्मी ने ये लॉकेट लिया है खाटू श्याम जी का. दिखाओ. इस पे ये फोटो भी है और लिखा भी हरे का सारा बाबा श्याम हमारा. मैं अब दिखाओ खाटू श्याम जी का ना. मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो गाइस. इसको मार मूर के मम्मी बोल देता है मेरे पास. अब जाने का टाइम हो रहा है गाइस. हमारी पैकिंग डन हो चुकी है बिल्कुल. बैग पैक हो गया. अब हम जा रहे हैं. ये मेरी चक्चू की पहनी है क्योंकि गाइस इसको देखो चक्चू की टी शर्ट भी एकदम सही आ गई क्योंकि इसके सारे कपड़े गंदे कर लिए थे इसने. कपड़े दिखा रहा है मामा. हाँ तक्षु बोलो नाना. तक्षु. A few inches later. गाइस अब हम निकल चुके हैं वापस दिल्ली के लिए और दोबारा से हमने वैसे वाला ले लिया बट ये अलग बस है. सुबह जब हम पहुंचेंगे तब मैं आपको दे दूंगी टूर. अभी रात हो चुकी है. The next morning. हम घर पहुंच गए थे. हम कल घर आ गए थे बट कल पूरा दिन हमने आराम करा. सारे बैग अनपैक करे फिर कपड़े वगैरह धोए तो पूरा दिन कल काम में निकल गया घर पूरा साफ करने में. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप लोगों को भी जाना है अगर दिल्ली से या गुड़गांव से कहीं से तो डायरेक्ट आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. मैं आपको बस के मतलब डिटेल्स दे देती हूँ आपको कैसे कॉन्टैक्ट करना है. वो पूरा डबल वाला आप आराम से सो के रेस्ट करके जा सकते हो. ये है हर्ष ट्रैवल और इसका एक तोरण गेट के पास ही बैठते हैं ये. आप वहाँ से दिल्ली की डायरेक्ट ले सकते हो और इनके मोबाइल नंबर है. इसको भी दिल्ली से जाना हो या वहाँ से आना हो खाटू श्याम जी से दिल्ली डायरेक्ट बस तो आपको रिंगस वगैरह जाने की कोई जरूरत नहीं है. सीधा आप वहाँ से ले सकते हो. तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. होप सो आपको हमारी खाटू श्याम जी की सीरीज़ अच्छी लगी होगी. तो अब थोड़े दिन डेली व्लॉग आएंगे तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय.